सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। चैनपुर प्रखंड अंतर्गत पिंडरा गांव निवासी जय भुइया की पत्नी रीता देवी ने आज सुबह 3 बजे चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र में एक साथ 4 बच्चियों को जन्म दिया। जन्म के समय चारों बच्चियां ठीक थी, परंतु थोड़ी देर बाद चारों बच्चियां की स्थिति नाजुक हो गई, जिसे देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों बच्चियों को डाल्टनगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया, परंतु रास्ते में ही एक बच्ची की मौत हो गई। वही तीनों बच्चियों का इलाज फिलहाल डाल्टनगंज सदर अस्पताल में चल रहा है। तीनों बच्चियों को आईसीयू में रखा गया है, जहां तीनों बच्चियां की स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर गौरव की बात माने तो फिलहाल तीनों बच्चियों को ऑक्सीजन पर रखा गया है। यहां बता दें कि के पहले से भी एक लड़का व एक लड़की है। इसके बाद सीता देवी ने एक साथ 4 बच्चियों को जन्म दिया है। फिलहाल यह खबर चर्चा का विषय बना हुआ है। 4 बच्चे चैनपुर से डिलीवर होकर आए हैं, उसमें से 3 बच्चे भी जीवित हैं, एक बच्चा ब्रॉड डेड आया था। 3 बच्चों में एक बच्चे का वजन 1 किलो है, 1 किलो 100, 1 किलो 200 के बच्चे। अभी स्थिति क्या है? स्थिति बच्चे, तीनों बच्चे ऑक्सीजन के सहारे पे हैं और फ्लूइड पर है। अभी स्थिति गंभीर है तीनों बच्चों की। ऐसे जो बच्चे शारीरिक रूप से और महीने में कम होते हैं, उनमें समय लगता है स्थिति का ये बताने में और उनकी जीवन में। जब तक ऑक्सीजन नहीं हटेगा बच्चों का और फ्लूइड पे निर्भर था, तब तक हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं बच्चों के। अभी बच्चे, तीनों बच्चे गंभीर हैं और ऑक्सीजन के साथ हैं।